बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी विक्सु। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये चटियार का ब्लॉग है जिसमें ये पार्ट टू है, क्योंकि पहला पार्ट है उसमें आप लोगों ने देखा ही कि कैसे चटियार का सब कुछ होता है। लेकिन इसमें मैं आपको स्पेशली ये बताने वाली हूँ कि बुआ जो है वो काजल लगाती हैं और नेक मांगती हैं, लेकिन इसमें बुआ ने ऐसा कुछ मांग लिया जो हम लोग भी नहीं दे पाएंगी। तो वो क्या मांगा है वो आगे आपको पता चल जाएगा। कपड़े लाई हुई इसका, लाओ तेल लाई हुई चढ़ा देंगे ना। सामने सामने एक पिन भी दीजिएगा तो उठा लो हाथा ठीक और खींच लागा सा तेलवा तेल और खींच लागा सा सिंदूर हम लगा रहे थे देख ले मऊ करे तो ये ना घोड़ी छुबे ना करब नहीं नहीं हाथ में टाव के बतल दे ए इधर आ सके रानी हाथों दो हाथों में आ रहा है सब वो अभी दीदी का रिकॉर्ड कर ये देखना चाचा अच्छा बड़ा नहीं है ये लास्ट साइज है यही लास्ट साइज है लेकिन ये बड़ा नहीं है ये वैसा दिख रहा ना आप लोगों को इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है रोम्पर्स है ना और ये चीज यहाँ से थोड़ी खुली रहनी चाहिए तो चुतारो पर कितना दाग ये देखो ये पूरा जो सेट वाला नहीं होता कैप ये पीला जो पूरा दही है रोम्पर बना देते रोम्पर ज्यादा मोटा हो जाए ये ब्लैंकेट यहाँ पर सिंदूर लगाने की रस्म होती है जिसमें निक्की मुझे सिंदूर लगा रही है और बाबू को तैयार किया जा रहा है। एक तरफ बुआ है जो काजल सेक रही हैं। तो ये सारी रस्में होती हैं छठियार में। और यहाँ पर निक्की बहुत सारा ड्रेस लेकर के आई थी बेबी के लिए, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस लेकर के आई थी। और साथ में मैं गिफ्ट का अनबॉक्सिंग भी करूँगी, बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं बेबी को। तो यहाँ पर ये रस्में की जाती हैं, जो भी सुहागिन महिलाएँ होती हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और इस तरीके से ये रस्में की जाती हैं। नेक मिली अपना आधा आधा हमरा के दे दिया, नेक हमरा के आधा दे दिया, फुफू भतीजी के आधा आधा होला धोखा पर धोखा दे दी ना ध्यान ऑन कैमरा रिकॉर्ड बा चाचा धोखा नहीं देना सब कुछ देना धोखा मत देना दादी हेयर इज पुरन का अभी नहीं निकाले पर काजल सिकाई हो गई और काजल लगाया बुआ ने बेबी को पहले लगाया फिर उसके बाद मुझे। तो यहाँ पर मैं पायल नहीं पहन पाई थी, भूल क्या गई थी मतलब झुका नहीं जा रहा था मुझसे। तो यहाँ पर दी जो हैं सुनता दी हैं वो पायल पहना रही थी, वो भी बुआ लगेंगी बेबी की। तो यहाँ पर सब लोग मिल करके पूरा परिवार इकट्ठा होकर के ये चटियार मनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग को कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना।
ओही लोग को बर्तनों में ले ले हमने जो मरीले बना चिकन वो कढ़ाई में पकड़ो में कढ़ाई में ये बने जाए पतीला मछली पतीला के ऊपर कढ़ाई रख ले चिकन वाला ले ले जाए ये कर ली पकड़ ली लिखो मेरा नाम लिखो निक्की लिखो तो सबसे पहले लिखो वी फिर लिखो ए फिर अरे देखो पी लिख दी ए की जगह पी लिख दी तू लिखती हो कर मैं लिख दूँ यार सुनो आओ मेरा पर्स उधर ही है किसको दी फिर खाना खाएंगे ना चाची हमने पीने के लिए परेशान अभी कहा रखा था नहीं सब्जी ना दिया इल्हा अच्छा वही में दिया इल्हा मम्मी अरे अच्छा बाबू देखना बाबू ज्यादा नहीं अपन अपना तेजी बता बाबू का है बाबू बाबू सुनो पापा का है पापा मम्मा का है दादी नानी का है नानी सॉरी आप दोनों को मैं इतना आज इतना परेशान हुई है और भी लाइट्स है आओ फोटो खिंचाते चाची से और किसी से नहीं करती है अच्छा दादी के घर चले कौन नहीं जाओ चले खिंचवा वो कहाँ जाओ कौन दीजिए सुनो दादी के घर जाओगी कि नानी के घर इसके घर बाबा पास जाओगी नानी कुछ नहीं रहोगी नानी आ जा धरी रात को अभी रात को सोते हैं अभी क्या पता चला नहीं 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 सो रही है इसने सोच रखा है कि अभी थोड़े दिन परेशान कर देती हूँ लेकिन हमारी बबनी नहीं की ना शुरू शुरू में नहीं अभी भी कहा करती है लड़की है नहीं करेंगे पता है सबसे बड़ी बात है ना आज पापा क्यों ज़्यादा परेशान कर रही है दादी क्या कर रही दामाद के घर में आना शुरू संकेत होता है थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँगा ये
बड़ा गजब का फील कर रहा हूं अभी कंटिन्यू ये सोच रहा हूँ कि इस चीज को कैसे किया जाए, कैसे सेलिब्रेट करो या फिर क्या करूँ यार, मतलब एहसास हूँ कि वाकई में पिता बन गया हो जाएगा, हो जाएगा जैसे थोड़ा और बड़ी होगी ना वैसे और अच्छा अच्छा फील होगा। यहाँ पर चटियार हो गया, बहुत अच्छे से हुआ, बहुत धूमधाम से हुआ और सभी लोग आ कर के इस फंक्शन की रौनक बढ़ा दिए, तो सभी लोगों को शुक्रिया। और पता नहीं ये जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो इसका ऑडियो गायब हो गया है, लेकिन आप लोग मैनेज करना। और बुआ ने जो गिफ्ट मांगा है वो बेबी को ही मांगा, इसलिए हम लोग की धड़कने बढ़ गई। फाइनली छोटे लोगों ने कहा कि दीदी कुछ भी मांग लीजिए बेबी को अच्छा नहीं लगा, तो फिर बहुत अच्छा लगा सभी लोग आए। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हम लोगों ने नेक जो दिया है वो क्या दिया है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ दिया है इनकी बुआ को, बेबी की बुआ को, और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आप लोग ऐसे ही देते रहे। सभी लोगों को बाय, लव यू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।